अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ब्लैक के बीच में ये फीमेल है, इम्पोर्टेड की बच्ची, नियर टू हीट है, कोट को शेड किया, कंफर्म ब्रीडर फीमेल है। ये अभी तक 11 महीने की फीमेल है, वालेंटिनो की दोती और इम्पोर्टेड ब्लड लाइन में, ग्रैंड की बच्ची और वालेंटिनो की दोती ये वाली। और ये आ गया जी ऑस्कर, ऑस्कर ये आ गया जी बाबू। हमूद भाई उधर आ जाओ, अच्छा इन दोनों को खोल लो, इन दोनों को खोलो, नो चलो फट फट भी इनका यार असल में गर्मियों का कोट है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने खैर किया तो अगले साल जो है ना वो कोट अच्छा होगा जी इंशाल्लाह, बशर्ते ज़िंदगी। ये वाली फीमेल हमारे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, राजा साहब फ्रॉम दुबई, तो उनके साथ बात हो गई है, टोकन इसका आ गया, अल्लाह को करे नसीब। तो बाकी मनी मनी अपनी कंफर्म ब्रीडर फीमेल है। बाबू हे, बाबू हे, अस्कर अस्कर हाथ मारो, अस्कर ओए नो नो चलो 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 गो बैक गो बैक। वो मेरे ख्याल में हीट पे भी आने वाली हो फिर चलें जी। बहरहाल ये आज ब्लैक में से ये आपको दिखाने थे। स्मेल स्मेल लेता फिर रहा। गर्मियों के बीच में वैसे टिप्स के हवाले से दोस्त अब काफ़ी पूछते रहते हैं जी गर्मियों में डाइट की टिप क्यों दे दें। तो यार सबसे पहली चीज़ ये कि आपने देखना है कि जब भी यूरिन करते हैं तो बहुत येलो तो नहीं कर रहे हैं। अगर कोई डॉग भी आपका येलो यूरिन कर रहा हो, ज़्यादा येलो, तो आप उसको हेपामर सीरप देना शुरू कर दें। 5 ml सुबह, बड़ा डॉग है तो 5 ml सुबह, 5 ml शाम। और उसके बाद अगर पपी है तो 2 ml सुबह, 2 ml शाम। और ये फीमेल मेल सब कर सकते हैं। और उसके बाद जनाब दही के बीच में थोड़ा सा पानी डाल के, वो लस्सी भी ना बने और दही भी बाकी ना रह जाए, इस तरह की कंडीशन में उसको ला के आप वो भी लाजमी दें दिन के टाइम पे। और अगर बड़े डॉग्स हैं आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कलेजी गाय की हो जाए, बकरे की हो जाए, नहीं तो मुर्गे की हो जाए, कलेजी आप उनको बड़े डॉग्स को 30-30 ग्राम, 50-50 ग्राम डेली ज़रूरत है। और अगर बच्चे हैं तो उनको 10-10 ग्राम दें, वो दही के साथ रख दें तो वो खा लें, और दही के बीच में डिप कर दें तो नो इशू। वैसे रॉयल कैनन में देता हूँ पपीज़ को, तो ये है जी रॉयल कैनन के साथ बॉयल सब्ज़ियाँ और साथ थोड़ी सी कलेजी और साथ दिन के टाइम पे दही और ये चीज़ कलेजी। तो ये चीज़ें हैं। और अगर देखें कि जब भी खाना छोड़ रहे हैं, खाना 24 घंटे के लिए खुद ही बंद करते हैं आप इनका, और साथ उनको आप ये दही लाजमी चलाते रहें, बॉयल राइस दें उन 1-2 दिनों के बीच में, जब खाना बिल्कुल बंद करेंगे थोड़े थोड़े बॉयल राइस दें और उसके बीच में दही के बीच में डिप कर दिया करें सही तरीके से। तो
ये गाइड होती है। और इसके अलावा टिक्स के हवाले से मैं बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, या फिर खाना बार बार एक चीज़ मुनासिब नहीं होती। नो तो बाकी जी दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलो महमूद भाई।